मॉर्निंग, ये 2 दिसंबर 2007 है। इस वक्त हम चकवाल में एक जगह पर शिकार के सिलसिले में आए हैं। आमिर भाई, जिन्हें आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ हमारे होस्ट हैं और तमाम लोग यहाँ पे हंटिंग ड्रेस में, ये सब लोग शिकार की नीयत से यहाँ पे आए हैं। इस वक्त नाश्ते का दौर चल रहा है। ये आपके सामने अदनान अली हमारे मेज़बान, आमिर भाई, चौधरी तनवीरुल हक, मुर्तज़ा, चौधरी जमुल, आशिक हुसैन, ये कैनेडा से तशरीफ लाए हैं स्पेशली शिकार के लिए। ये राना नईम इज़ अ वेरी गुड शूटर और हमारे सुप्रीम हेड, हमारे दादा जान, हमारे बड़े, जिनसे हमने सभी कुछ सीखा, इवन इफ ये कि हमने बंदूक पकड़नी सीखी, चौधरी आशिक रसूल। यूं तो सारा पाकिस्तान इनसे वाकिफ है, लेकिन ये मैदान में क्या जौहर दिखाते हैं, ये जो जो वक्त गुजरता जाएगा आप देखते जाएंगे। वेल, हमारी बंदूकें अभी पैक हैं, तो जो ही हम उनको ज्वाइन करते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो आपके साथ दोबारा मिलते हैं। वेल, ये इस वक्त आप वो जगह देख रहे हैं, वो रास्ता देख रहे हैं कि जहाँ से हम एंटर हुए थे। ये ज़रई एग्रीकल्चर वालों का एक ऑफिसर मेस, ऑफिसर रेस्ट हाउस है, जहाँ पे आमिर भाई जो एज़ इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे टेस्ट फील्ड है, बारानी इलाका इसको कहा जाता है। बारानी इलाके का मतलब ये कि जहाँ बारिश होने पे डिपेंड करती है यहाँ की काश्तकारी। तो ये रिसर्च फील्ड्स हैं, ये वो सामने का रास्ता है जो हर तरफ आपको सब्ज़ा और खूबसूरती और कूल एंड काम जगह, बड़ी पीसफुल जगह नज़र आ रही है। हमारी गाड़ियाँ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और एक टोली शिकारियों की, जिनमें चौधरी तनवीरुल हक, चौधरी आशिक हुसैन और राना नईम साहब सामने नज़र आ रहे हैं, आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेल, कुछ ही लम्हों की बात है, थोड़ी देरी के बाद हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं। ये रास्ता जो सीधा आप देख रहे हैं, सुबह जब हम नमाज के बाद उठे तो यहाँ खासी तादाद में तीतर के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद आपकी स्क्रीन पर थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा हो। वेल, आप हमें ज्वाइन करते रहें, दैट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर अस इफ यू ज्वाइन अस फर्दर। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। वेल, इस वक्त हम उस मतलूबा जगह पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो हमारा आगे जाने का इरादा था तीतर के सिलसिले में, लेकिन जैसा कि आप टॉप ऑफ द ट्री देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियल नामी परिंदा बैठा। हम यहाँ सब लोग उतर चुके हैं, इस पॉन्ड को भी आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू है। सुबह सुबह का वक़्त है, पोजिशन ले चुके हैं हमारे नईम शिकारी साहब। यहाँ ये टॉप पे मुझे तो दिख रहे हैं, पता नहीं आपको ये देखे दरख्त के टॉप के ऊपर ये परिंदे बैठे हैं पांच, ये उड़ने की बिल्कुल तैयारी में, और हम इस बात के इंतजार में कि फायर कब हो। वेल, यहाँ पे अली भी हमारे सामने बिल्कुल आ खड़े हुए, इनके हाथ में भी एक बड़ी खूबसूरत और आला किस्म की बंदूक पकड़ी हुई। यहाँ पे मिस्टर आशिक हुसैन और इनके साथ यहाँ पे कुछ मुकामी लोग, हमारे मेज़बान आमिर भाई। वेल, हम दोबारा अपने इसको हरियल को फोकस करने जा रहे हैं। वेल, मुझे लगता है तीन फायर में से सिर्फ एक ही जो फायर अपनी मतलूबा जगह पे लग सका। ये जिमी नाम का कुत्ता हमारा, वो परिंदा जो पानी में गिर गया था उसको उठा के लेके आया। कितना खूबसूरत मंजर है लोगों के सामने। एक परिंदा वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, अगर आप देख पाए हो तो। और चाकू फेरे लो, 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 लो। नो। ये हरियल नामी परिंदा है जी, नहायत खूबसूरत कलर इसके, ये बड़ा रेयर परिंदा हो गया अब हमारे यूं इलाके में। के नाम साबरो। हां, इस वक्त आपके सामने मिस्टर आशिक हुसैन अपनी बंदूक को, अपनी गन को असेंबल कर रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको इस पैकिंग में लेके आया गया ताकि उसको ठोकर ना लगे और हिफाजत से रहे।
ਅਭੀ ਚੰਦ ਹੀ ਲਮਹਾ ਆਤੇ ਹੈ ਚੰਦ ਕੁਰਜੇ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲੈਂਗੇ ਪੂਰਾ ਜਨਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਇਹ हमारे दादा जान चौधरी आशिक उसूल पाकिस्तान के मशहूर मरूफ शिकारी, जिन्होंने हमारी फैमिली हमारे इलाके में शिकार की दाग पेल डाली, इस वक्त बिल्कुल अपनी पोजीशन लिए खड़े हैं। और इस वक्त हम बिल्कुल उस इलाके में जिसको हमारी स्पेसिफिक जुबान में जू का नाम दिया जाता है, उस एरिए का तो स्पेसिफाइड एरिया फॉर द हंटिंग, उधर जाने की तैयारी में। साथ में आपको हमारा ये डॉग नज़र आ रहा है, जिमी नाम का लैब्राडोर इसकी नस्ल है। तो वेल ज्वाइन करते हैं आपको दोबारा, हम जो ही अपनी फील्ड में जाते हैं। लाफेस आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कनाडा से इंपोर्ट की गई है और इसका मकसद ये था कि कुछ लोगों को इसकी सजा दी जाए। वेल जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। इस झोले के बारे में, थैले के बारे में, बैग के बारे में ये कंडीशन रखी गई है कि अगर इसको शिकार के दौरान ना भरा गया तो जो जो बंदा इसको भरने में नाकाम रहेगा उसको यहाँ से पैदल फैसलाबाद वापस जाना पड़ेगा और शिकार छोड़ना पड़ेगा। वेल आपके सामने जो साहब जा रहे हैं ये पहले कुछ देर पहले तो तालिबान थे, लेकिन इस वक्त तक ये पता चल चुका है हाथ में छड़ी लेके। ये भी हो सकता है कि अगर इसमें तीतर ना मिले तो इसमें अमरूद रख के बेचा करें ये। एनीवेज ये तमाम लोग जो अपने फील्ड में निकल चुके हैं, जैसा कितना खूबसूरत मंजर है, सनी डे है, सुबह सुबह का वक्त है और ओस पड़ी हुई है यहाँ पे। तमाम लोग यहाँ पे बड़े प्रोटोकॉल के साथ हमें जनाब मिले, बड़ी रिस्पेक्ट हमें दी गई यहाँ पे। ये हमारे आमिर भाई जो कि मेजबान है चले जा रहे हैं फील्ड में। वेल अपनी अपनी बंदूकों को लोड कर चुके हैं, कुत्तों का शोर आप सुन सकते हैं। वेल वेरी सून हम उस जगह पे पहुँचने वाले हैं कि जिस मकसद के लिए कि हम आए हैं, तीतर के शिकार के लिए। तो आपको हम ज्वाइन किए रखेंगे आप इस एडवेंचर में। वेल आई होप सो कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा। वेल ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त स्क्वाडन लीडर मुर्तजा भी हमारे साथ हमरा इस शिकार में शरीक हैं। वेल फुल एडवेंचर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे ऊंची सांस लेने की भी इजाजत नहीं है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हमारे कुत्ते ने इंडिकेट किया कि यहाँ करीब तीतर है। We just have to be more efficient. नहायत खूबसूरत इलाका। वेल यहाँ का भी इम्कान है इस बात का, यहाँ से हमें कोई ना कोई परिंदा मिल जाएगा। ऊंची नीची घाटियों में बनी, आपको मैं बताता चलूं कि दो पहाड़ों के संगम के दरमियान की जगह ये, जिसको वादी उर्दू में और वैली कहा जाता है इंग्लिश में। ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्ते, जगह बिल्कुल भी हमवार नहीं है, उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये चीज याद रहे कि जितने भी अहबाब, जितने भी दोस्त आपको इस फिल्म में नजर आ रहे हैं, तमाम एक ही मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तीतर के शिकार के लिए। अली आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तनवीर बड़ी तगड़ा कर रहे हैं तीतर को उड़ाने के लिए। वो अंकल आशिक कनाडा से सिर्फ इसी मकसद के लिए यहाँ पे तशरीफ लेके आए।